रथ बनाने वाले हैं, विभिन्न जो काम करने वाले लोग हैं, बांस पर काम करने वाले, काठ पर काम करने वाले हैं, रथ बनाने वाले लोग हैं, उनके जीवन से, और ये कहा कि ये मंत्र अधिकांशतः उनके रचे हुए हैं और उन्होंने पुरोहित वर्ग से पृथक जो एक वैदिक जीवन है उसका जो दिखाई पड़ता है वेद में जी जी उसको वो इस अर्थ में वैदिक कहीं ना कहीं पारंपरिक जो धारणा उससे अलग अलग बिल्कुल चिंतन जी समाजवादी विचारधारा की दृष्टि से उन्होंने वेदों का अध्ययन, ये रामविलास शर्मा जी की एक नई दृष्टि थी। यही भाव हमें उनके जितना भी उन्होंने सृजन किया है, उनके जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, उसमें भी यही सामूहिकता हमें, ये जो पूरी कृति है तीन खंडों में है, तो पूरे यही सामूहिकता की लय भी हमें, चाहे उनके उन्होंने उपन्यास लिखा हो या नाटक लिखे हो, पाप पुजारी लिखा हो, चार दिन उपन्यास लिखा हो, उनके कविताएं जो इसमें वो अज्ञा बैताल और निरंजन के नाम से लिखते रहे हैं, वही सारी चीजें हमें उनकी आत्मकथा में भी दिखाई देती है। तो किस तरह से आत्मकथा जो साहित्य है उसको कैसे पुष्ट किया, कथा का लोक में किस तरह से विस्तार होता है, विस्तार से कौन सी ऊर्जा लेकर वो अपनी रचना में प्रस्तुत करते हैं, यानी उनके परिवार के लोग, उनके कुटुंब के लोग, उनके जो दस्तकार लोग, किसान है, मजदूर है, उनके आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो वो आप जानते हैं कि वो अध्यापक थे, लेकिन जब भी गांव जाते थे तो उनके पुराने जो पूर्वज लोग थे या उनके रिश्तेदार थे, उनसे मिलते जुलते वो भाग जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है। और चूंकि एक बहुत ही सजग और सतर्क उनकी जो अपनी मनीषा थी, इस कारण अगर कोई छोटा सा संकेत भी उनको मिल जाता था तो उसको वो डेवलप कर सकते थे, ये उनमें बहुत बड़ी खूबी थी। और लगभग 65 वर्षों तक उन्होंने जो लेखन कार्य किया उसको संजोना भी एक बहुत बड़ा काम था जी। तो मैं समझता हूँ उनकी रचनावली निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा और उनके लिए प्रकाशन होना और उसके काम की जन्मशती भी अब आ रही है जी जी। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि उनकी रचनावली आए। आज वो हमारे लिए कितने प्रासंगिक है या क्यों प्रासंगिक है इससे देखिए, डॉक्टर साहब कालजयी रचनाकार है जी। कालजयी रचनाकार हमेशा प्रासंगिक होता है, वो केवल साहित्यकार के रूप में प्रासंगिक नहीं है जी। वो व्यक्ति के रूप में भी प्रेरक और हिंदी जाति और साहित्यकारों के लिए एक आचरण संहिता का निर्माण करने वाले व्यक्तित्व है जी। वो ये बताते हैं कि साहित्यकार के विधि निषेध क्या है, क्या करना चाहिए और उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आज हम लोग कालजयी समीक्षा रामविलास शर्मा जी पे, उनके व्यक्तित्व के, उनके साहित्य के अनेक अनछुए पहलुओं पर हम लोग बातचीत करने के लिए एकत्र हुए, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अब आइए आपको रूबरू कराते हैं देशभर के साथ साहित्य